आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे पूछा है द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फाइंडिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12.96 एंड वी हैव टू अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, राइट। तो ये सारे हमारे स्टेप्स दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12.96 को सॉल्व करने के लिए सारे स्टेप दे रखे हैं। हमें इन स्टेप्स को एक ऑर्डर में जमाना है, कहाँ से, फर्स्ट से लास्ट तक, मतलब पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, राइट। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12.96 होगा, सबसे पहले वाली प्रोसेस में ये करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको पॉइंट को ओमिट करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है राइट साइड, तो इसका मतलब दो डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो ये रहेगा 1296 अपॉन में 100। तो ये वाला फर्स्ट स्टेप होगा। ये कौन सा, किस में दे रखा है हमें, ये सी ऑप्शन में दे रखा है, राइट। तो हम इसे लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे कि सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सी, इस तरह से हम डिनोट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम 1296 को देखेंगे कि किसका स्क्वायर बन रहा है, किसका नहीं बन रहा, राइट। तो इसको करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले कहेंगे 1296। अब ये हम कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ये 2, ये 6 वन जा 6, ये 6 जा 36, ये 6, 6 3 जा 18, और अगेन इसको 6 3 जा 18 हो गया, और ये हमारा 36 बचेगा, तो 6 6 जा 36, अगेन 6 6 जा 36 और 6 वन जा 6। तो एक तरह से हम इसको लिख सकते हैं 6 × 6 × 6 × 6 में, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 10 × 10। तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36 × 36 अपॉन में 10 × 10, अगेन ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, अगला नेक्स्ट स्टेप ये हमें मिल रहा है ए ऑप्शन के अंदर, राइट। ये हमें मिल रहा है ए ऑप्शन के अंदर, तो ए ऑप्शन के अंदर मिल रहा है हमें, तो हम इससे लिख देंगे कि ये किसका पार्ट हो गया, ए का पार्ट हो गया, मतलब सी के बाद क्या आया, ए, ठीक है। तो इधर सी हो गया, इधर ए हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट केस में हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या था, 36 का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर। अब मैं इसका अनरूट ले लेता हूँ, तो एक्स इक्वल टू 36 बाई 10 बच जाएगा, और ये हम देखते हैं कि ये हमें डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में जो है हमारा क्या आया, डी वाला पार्ट आ गया। अगेन इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 3.6 और ये b वाला पार्ट हो जाएगा एट द एंड। तो मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 3.6 और ये होगा हमारा b वाला पार्ट। तो एक तरह से मैं इसका, अगर मैं एक वो लिखूँ सिक्वेंस कि सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तो सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या आया, सिक्वेंशियल ऑर्डर वो हो गया हमारा c a डी एंड बी, और स्टूडेंट यही हमारा फाइनल आंसर होगा सी ए डी बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।